सीएम केजरीवाल, पंजाब सीएम मान मौजूद रहेंगे। सांसद संजय सिंह राघव चड्ढा भी पटना में मौजूद रहेंगे। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन भी पटना में मौजूद रहेंगे। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम केजरीवाल उठा सकते अध्यादेश का मुद्दा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे होंगे शामिल। एनसीपी चीफ शरद पवार, पीजीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी पहुंचेंगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख उमर अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। और संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज विपक्षी दल के नेताओं की बड़ी बैठक पटना में होनी है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए त्रिशला, लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुटता बनाने के लिए विपक्ष आज एक बड़ी बैठक कर रहा है। इस बैठक में विपक्ष दलों के तमाम जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सभी मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन देखिए, बैठक के पहले ही बगावत के स्वर भी दिखाई दिए हैं, क्योंकि देखिए आरएलडी के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उन्होंने इस बैठक से किनारा कर लिया, जबकि समाजवादी पार्टी के वो सहयोगी दल हैं, उनका कहना ये है कि मैं बाहर हूँ इसलिए मैं इस बैठक में नहीं आ सकता। जबकि दिलचस्प बात यह है कि बाहर के लोग इस बैठक में पहुंच रहे हैं और जयंत चौधरी जो है वो बैठक के पहले बाहर पहुंच रहे हैं, तो इसमें कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जयंत चौधरी जो है वो इस बैठक को लेकर पक्ष में नहीं है। उसी के साथ देखिए, अगर बात करी जाए, कल मायावती ने भी देखिए एक हमला किया कि बैठकें तो ऐसी बहुत होती रहती हैं, दिल मिले ना मिले, और उसी के साथ मुंह में राम बगल में छुरी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक आप लोग बड़ी बैठक जरूर करें, लेकिन उसके पहले कभी जनता के मुद्दों को लेकर इस तरीके की विपक्ष की बैठकें नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल ने भी देखिए ये कहा है कि इस बैठक में सबसे पहले अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो विपक्षी दलों के मुख्य नेता है उन सभी का कहना यह है कि इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरीके से एकजुटता होनी है, किस तरीके से उसको लेकर एक योजना तैयार होनी, यानी सभी दलों से गठबंधन के तहत एक सुझाव मांगा जा रहा है। और खुद देखिए, अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, हेमंत सोरेन पहुंच रहे हैं, वहां पर ममता बनर्जी और महबूबा मुफ्ती कली वहां पर पहुंच गई हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, संजय सिंह हैं, उद्धव ठाकरे हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, देखना यह है कि विपक्षी जो एकता है, सबसे पहले बात तो ये लोग आपस में देखिए किस तरीके से सहमत हो पाते, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस बैठक का उद्देश्य देखिए ये है कि एक ऐसा गठबंधन हो कि जहां पर भी कोई पार्टी अपना प्रत्याशी उतारे, क्योंकि सभी पार्टियों को पता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और उत्तर प्रदेश में जो सबसे मजबूत स्थिति है वो है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल संदीप, आप नजर बनाए रखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 23 जून को पटना में होने वाली बैठक को लेकर के